बोल दिया। चलो पोपी बोलना शुरू कर, वीडियो स्टार्ट है। ये है बेलफोर सेल्फ रिटेनिंग एब्डोमिनल रिट्रैक्टर, ठीक है। ये है डीवर्स एब्डोमिनल रिट्रैक्टर, ये देख ले। फिर ये है लैंगेनबैक, अच्छा अच्छा, या तो ये मोरिस हो सकता है बड़े वाला, यह है लैंगेनबैक, लैंगेनबैक ही छोटे वाला, ये लैंगेनबैक, ये मोरिस है, ये छोटे वाला लैंगेनबैक जिसमें आगे कर्व है, और फिर ये मोरिस है स्ट्रेट एब्डोमिनल रिट्रैक्टर, ठीक है। ये है डोएंस, डोएंस नहीं है, ये भी लैंगन बैग है, ये सारे आगे से जो पतले वाले लैंगन बैग है, ये छोटा सा ये और वो जो पिकड़ी आगे से जिसका यहाँ पे कर्व आ रहा है, ये वाला ये लैंगन बैग की तरह ही है, बस थोड़े से सपाट है आगे से, देख ये है जोल थायराइड रिट्रैक्टर, सिंपल आर्टरी फोर्स है, किसी टाइप का आर्टरी फोर्स ये है, वो आर्टरी का छोटा है आगे से जिसकी, नहीं ये बाद में देखने को मिलेगा। वो क्या था? वो जोल थायराइड रिट्रैक्टर, जोल थायराइड रिट्रैक्टर, ये सूचर कटिंग है, ये सूचर कटिंग, सूचर नहीं ये टिश्यू कटिंग, टिश्यू कटिंग, टिश्यू कटिंग सीजर, डॉक्टर नहीं, ये भी सिंपल आर्टरी है, ये वो है जो उसके अंदर जाके वो करता है, डिसेक्टिंग फोर्स है, उसमें वो डिसेक्टिंग फोर्स है, बेसिकली फोर्सेप है डिसेक्टिंग, आगे इसमें थोड़े से आगे ऊपर टिप टिप पे सरेशन है, इनको इसको अलग रख लेते सारे पैरों में, ये इतना क्लियर दिख नहीं रहा, एक और भी दिखा, ये पूछ लेंगे सर से, ये है सूचर कटिंग, ये सूचर कटिंग, ठीक है। ये है नीडल होल्डर, इसके अंदर एक ग्रूव है, ये वाला ये नीडल होल्डर है, ठीक है। यह है इंटेस्टाइनल क्लैंप, ये है वो वाला मोनीहैंस इंटेस्टाइनल क्लैंप, लॉन्गिट्यूडिनल सेरेशन है ना इसमें, ये दो है हमारे दोनों, ठीक है। एक कार्ड है थोड़ा स्ट्रेट, ठीक है। ये रैम्पले स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्स है, दोनों ये भी वही है, ये भी वही है इंटेस्टाइनल ऑब्ट्यूसर, ये भी वही है। ये आ जाएंगे मिक्सचर्स, मिक्सचर्स राइट एंगल्ड आर्टरी फोर्स है, ये है वही टिश्यू कटिंग, टिश्यू कटिंग, टिश्यू कटिंग सीजर्स, व्हाट द हेल इज दिस, ये है हुक, रिब रिट्रैक्टर्स, रिब रिट्रैक्टर, रिब एस्पिरेटर, एस्पिरेटर बोलते हैं ना इसको, शायद हो सकता है, देख लेंगे बाद में, ये तो वही है ना, ये सूचर कटिंग, ये बीपी हैंडल है, थ्री नंबर बीपी हैंडल, नंबर क्या कैसे पता जाएगा, ये लिखा होगा ना थ्री नंबर, अच्छा ठीक है ठीक है, बीपी नंबर। ऐसे ही हमारे पास ये हैं नर्व हुक्स, स्किन हुक्स, ये हुक्स हैं स्किन हुक्स, स्किन ये है यार आर्टरी, ये क्या, ये बैक होस्ट टावल, बैक होस्ट, बैक होस्ट नहीं है, ये बैक होस्ट है, हमारे मेयोस आएंगे, मेयोस है भी, बैक होस्ट, बैक होस्ट को सिर्फ ऊपर से टिप खुलती है थोड़ी सी, ये वैसे ही है, वो ऐसे ही होता मेयोस तो, मेयोस या बकमी तो ऐसे ही दे रहे हैं, नहीं मेयोस डबल एक्शन होता है, मेयोस डबल एक्शन होता है मेरे हिसाब से, नहीं नहीं वो होता है हमारे पास मॉरिस, मॉरिस ये पाउडर,
ठीक है ये दोनों तो सेम है, ये फिर ये कर्व, ये स्ट्रेट आर्टरी हो रही है, ये आर्टरी बहुत सारे टाइप के होते हैं, ये क्या है, ये वो डाइसेक्टिंग फोर्स है, नहीं वो तो ये है, वो नहीं, ये एनएससी का है, आर्टरी फोर्स है, ये उस फोर्स है, एक मिनट में आर्टरी फोर्स का है, अरे आर्टरी फोर्स से बहुत टाइप के होते हैं, स्ट्रेट कर्व लॉन्ग स्ट्रेट वाला कर्व, ये है कर्व्ड आर्टरी, नहीं ये है अपना कोकर, ये कोकर है, कोकर जैसे टाइप ऑफ आर्टरी फोर्स है, ये कोकर आगे वो दो बने हैं, हुक बना हुआ है इसके अंदर घुसने के लिए, बाकी अगर ये नहीं होगा तो कर्व्ड आर्टरी हो जाएगा, ये भी कोकर है, ये है हमारे पास, ये मैंने वहां पे रखा था पता करने के लिए, इसमें से टिप टिप पे सेरेशन थी, ये डिस्चार्ज सॉलिड ऑफ ये है, ये यह डस्ट जार्डन कोलेडोकोल इज व्हाट वी फोर्स है, ठीक है, ये ऐसे कर्व था, इसमें कोई लैच नहीं है नीचे, कैच नहीं है, और ये कर्व है ऊपर से आगे, इसमें कोलेडोकोल इज व्हाट वी स्टोन निकालने के लिए, ठीक है, ये है बैबकॉक्स, राइट ही भी पढ़ा है बैबकॉक्स, ये एलिसी है पढ़ चुके हैं, इसके आगे भी सेरेशन थी, ये यंग्स एनएसवी किट में आता है, यंग्स वास होल्डर, बंद कर इसको, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, और खाली है, ठीक है, ये है दोनों स्मॉल वाले कर्व्ड आर्टरी फोर्स, मॉस्किटो कहते हैं, ठीक है, मॉस्किटो या हालस्टेड कर्व्ड आर्टरी है, बस छोटे हैं साइज, ये हमारे पास आ गया लेग, इसमें क्या है कि इसमें और बैबकॉक्स में क्या डिफरेंस है कि इसमें आगे हुक निकला हुआ है जो इसके अंदर घुस जाता है, एक फाइन टाइप का पिन है, अगर ये नहीं होगा तो बैबकॉक्स हो जाएगा, लेन ये बैबकॉक्स, ये डायमंड शेप है, बैबकॉक्स में बिल्कुल ऐसे कर्व्ड है, इसमें आगे हुक निकला हुआ है, ठीक है, ये लेन ये हमारे पास ये ऑब्जुरेटर है, ये प्रोक्टोस्कोप, ठीक है, इसमें ऑब्जुरेटर डाल के इंसर्ट किया जाएगा, ठीक है, ये है डबल एक्शन मेयोस डबल एक्शन डबल क्लैंप, अच्छा एक बैकहोज होता है, एक मेयोज होता है और एक मॉरिस होता है, शायद ये मेयोज नहीं है, ये मॉरिस है, बट ये डबल एक्शन डबल क्लैंप, डबल एक्शन डबल क्लैंप, ये देख ये वो टॉवल क्लिप है, बैकवर्ड उसी जैसा है ना, वो ये क्या है, वो भी सोचा, ये सुचर कटिंग दोनों सेम है, सेम ही है, सेम ही है, बैकवर्ड ही है, हमारे पास मेयोस था नहीं, सर ने बताया था, सर ने बताया था जो मेयोस था ही नहीं, ये तो भाई ये डस्ट जार्ड है, डस्ट जार्ड है, कोलिडोकोल वही वाला, कोलिडोकोल ये वो है, मॉस्किटो है, मॉस्किटो है, कुछ और है, ये इसमें सेरेशन नहीं है, नहीं नहीं ये वेरी डाउटफुल लग रहा है, वही कंफ्यूजन वाला ही है, ये यहाँ पर रखा था, इसको हटा दे वहाँ पे, ये तो बीपी हैंडल हो गया अलग अलग नंबर के, पाँच पाँच और ये चार नंबर तो लिखा रहेगा, ठीक है, सिंपल जिसमें आगे कुछ नहीं है, बाकी ये टूथ है, ये दो सिंपल दो टूथ, ठीक है, फॉलीज मेलेकॉर्ड्स, मेलेकॉर्ड्स, ये मेलेकॉर्ड्स है, इनके आगे फ्लावर से बना हुआ है, ये मेलेकॉर्ड्स है, ये कभी यूरिनरी कैथेटराइजेशन के लिए यूज नहीं होंगे, ठीक है, नहीं नहीं ये फॉलीज है, ये सिंपल रबर कैथेटर है, इसमें आगे कोई बल्ब बल्ब या पीछे कोई पॉलिस की तरह कुछ भी नहीं लगा, ठीक है, क्या ये सिंपल रबर कैथेटर, ये क्या सिंपल रबर कैथेटर, रेड रबर कैथेटर, लेडर रबर है ना, रेड रबर कैसे, अच्छा रेड रबर कैसे, ये यूज क्या होता है इनका, देने रेड रबर, ये अपनी जो प्रेगनेंसी में थोड़ा थोड़े टाइम के लिए बस इंटरमिटेंट, अच्छा उसको रिलीव करना होता है ना, यूनिट को रिलीव करना होता है, अच्छा तो सबके लिए, तो फॉर वो ये राइज़
ठीक है रॉयल ट्यूब इसमें एंड में तीन वो है ना एंड में तीन बल्ब की वजह ये ऑरेंज ऑरेंज सा दिया हुआ है ये भी रेडियो पे किया है ठीक है ये ट्यूब है ये कहर स्टीडियो ये अपने कोलेडो को फटमी के बाद रेडी के लिए डाल के रखते हैं बढ़िया इसको निकाल नहीं सकते हम ये तो निकल जाते हैं क्या निकल जाता नहीं नहीं ऐसे पूरा निकल जाता है पूरा बना देते हैं ये ऐसा होता है कि एक लेंथ तुम डिसाइड करके छोटे वाला डालते हो फिर बड़े वाला डालते हो और इसको ड्रेन करते रहते हो बीच बीच में क्लैंप करके देखते रहते हो बंदा सिम्प्टोमेटिक तो नहीं मतलब एसिम्प्टोमेटिक जाता है तो ये है हमारे पास नीडल्स ये सूचर नीडल्स है इनमें कोई थ्रेड नहीं है पीछे तो इनमें हमें थ्रेड डालना पड़ेगा तो इसमें सूचर मटेरियल यूज होगा सर ठीक है ये स्ट्रेट नीडल्स है कर्व नीडल्स है ये मोस्टली सारी हाफ है हाफ सर्कल ये स्ट्रेट है ये ट्यूब ड्रेन ये ट्यूब ड्रेन ट्यूब ड्रेन ट्यूब ड्रेन इसके पीछे चेस्ट ट्यूब लिखा होगा बट ये चेस्ट नहीं बोलना हमें ट्यूब ड्रेन बोलना क्योंकि हम एब्डोमेन में भी यूज कर सकते हैं आगे भी यूज कर सकते हैं क्या नाम बताएगा एनएसवी किट में शार्प डिसेक्शन से करेगा इसमें अगर सेरेशन होते तो उसको मॉस्किटो कह देते ना वो अपना आर्टरी को समझ जाएगा मॉस्किटो आर्टरी मॉस्किटो इतना ही है तेरा साइनस डिसेक्टिव हां हां इसका साइनस कौन सा ये इसमें यूज होता है अपने हिल्टन मेथड और ड्रेनेज इसमें अलग अलग इसमें क्या है कि बस ये आर्टरी की तरह ही है बस आगे से एक तो देख ये इसका मुंह चौड़ा है आर्टरी का पतला टेपरिंग होता रहता है और जॉइन नहीं करेगी बंद कर ये बीच में से ज्वाइन नहीं करती इसमें स्पेस है ठीक है और इसके सब ऊपर ऊपर टिप पे सेरेशन है ठीक है और इसमें लॉक नहीं है इसमें लॉक नहीं है ये भी नीडल होल्डिंग है लेकिन इसमें सेरेशन नहीं है सर बोलते क्योंकि ये प्रोलिन को होल्ड करने के लिए अच्छा अच्छा ये प्रोलिन को होल्ड करने के लिए स्पेशल नीडल होल्डर ठीक है राइट एंगल थी ना वो शार्प यार वो उनमें कंफ्यूजन हो गया आर्टरी फोर्सेप्स देखो पूरा एक तो पूरा ब्लेड पे है सेरेशन कुछ नहीं खाली